बिहार सरकार दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। वहीं दहेज लोभियों द्वारा आए दिन दहेज के लिए कोई न कोई विवाहिता की हत्या कर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जा रही है। ताजा मामला भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के करबासिन फिली गांव का है। यहां एक महिला रेणु देवी को उसके ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की रकम अदा नहीं करने पर फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई है। यह कथित आरोप मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया है। इस घटना की जानकारी जैसे ही सहार थाना पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पटना जिले के सिगोरी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी रेणु की शादी धूमधाम से भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के करबासिन गांव निवासी गजेंद्र राय के साथ हुई थी। रेणु की शादी वर्ष 2015 में हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही लगातार परिजनों द्वारा 1 लाख रुपए के लिए दबाव दिया जाता था, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। शादी के वक्त से ही दान दहेज देकर अपनी बेटी रेणु को विदा किया था। परिजनों का आरोप है कि लोगों ने पैसा देने पर असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने बीती रात फांसी देकर बेटी रेणु को मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर दहेज प्रथा के लेकर के गला घोट करके मारा दिया गया। कौन मारा है? इनका सास और ससुर और दो देवर है। जो देवर का नाम है राजू राय और चुनू राय। कब शादी हुआ था इनका? 2015 में। हाँ, एक लड़का है। कितने दिन से शिकायत था? एक कम से कम 2015 में शादी के 3 महीने के बाद ये शिकायत चालू हो गया था कि और ये चाहिए तो वो चाहिए, तो टीवी चाहिए, तो बाइक चाहिए, तो हुंडा चाहिए, यही सब कहानी। इसके पहले भी आप थाना में एफआईआर वगैरह किए थे? लेकिन नहीं, समझौता के लिए बहुत उनको माँ बाप से किए, बाहर कुछ सुनवाई नहीं। समझौता करके ले आया, समझौता करके ले आया लोग। शादी के कितने दिन के बाद फिर हुआ था झगड़ा? ये बस 3 महीने से चालू हो गया। कितने दिन पहले मायके से अब यहाँ? अभी 15 दिन पहले। 20 दिन पहले इधर कभी बात हुआ है इस बीच? हाँ, कल जिस दिन घटना हुआ उस दिन भी बात हुआ है। क्या बात हुआ था? बात हुआ है कि मतलब माँ से अपने बात किया कि मम्मी हमारा सुखल साखल रोटी 2-4 दे करके एक 2 गो बचा हुआ है वह खाने जा रहा हूँ, बहुत हमारा दिक्कत है, तो उनके माँ बाप को इज्जत हाल हम संभाल रहा हूँ, किसी वगैरह यहाँ पर बचने नहीं गए। मारने की शंका वगैरह इस प्रकार की बात की ना? ये सब नहीं बताया है, ये सब का नहीं बोल रहे, ये सब तो शका नहीं बताया। घटना कब घटाई? ये 3 बजे शाम को। कैसे किया लोग घटना? वो फांसी गले में फांसी दे करके किया। क्या नाम आपका? ब्रिज भूषण कुमार। कौन है? चचा।